तो दोस्तों ये है बोल्ट ऑडियो Z40 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स और आज की इस वीडियो में हम इस ईयरबड का रीसेट करने वाले हैं। तो रीसेट करने के लिए आपको करना क्या, सिंपल अपने दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं दोनों ईयरबड्स को बाहर निकाल लिया हूँ और अब आपको करना क्या, सिंपल अपने दोनों ईयरबड्स के ऊपर आप सबको यहाँ पर टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और यहीं पर आप सबको LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो हमने करना क्या, सिंपल दोनों ईयरबड्स के ऊपर टच एंड होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो LED लाइट है वो ऑन होके बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आप सबके सामने लाइव करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं अब दोनों ईयरबड्स के ऊपर टच एंड होल्ड करके रख लेते हैं 5 सेकंड के लिए और जैसे हमारा 5 सेकंड हो जाता है हमने अपना हाथ यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे 5 सेकंड हो गया और यहाँ पर देख सकते हो दोनों ईयरबड्स में व्हाइट लाइट फ्लैश होकर बंद हो गया। और लाइट बंद होने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल अपने दोनों ईयरबड्स को वापस से इसके चार्जिंग केस में रख देना है। तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग केस मैं ले आता हूँ और इसमें वापस हम इसको रख देते हैं। तो दोनों ईयरबड्स को रखने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा दोनों ईयरबड्स में जो LED लाइट है वो ऑन हो जाएगा। और अब हमें करना क्या, सिंपल इस चार्जिंग केस को बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है और वापस इसके चार्जिंग केस को ओपन कर देना है। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे हमारा बोल्ट ऑडियो Z40 ईयरबड रीसेट कम्प्लीटली डन हो जाएगा। अब आप इसे करना क्या, सिंपल अपने दोनों ईयरबड्स को केस में से बाहर निकाल के अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हो इसमें जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका होगा। तो गाइस इस तरीके से आप सब बोल्ट Z40 ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हो और रीसेट करने के बाद इसके जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अगर आप सबको इस ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।